और सिविल जो जूनियर डिवीज़न में 1203 स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है 890 और 313 वैकेंसी खाली हैं। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मतलब खुशखबरी नहीं है, बैड न्यूज़ है एक तरीके से। और बच्चों के साथ इन दिनों जो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग यही न्यूज़ सुनोगे, पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया और वो नेट का पेपर लीक हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और आरजेएस का भी सुनने में आ रहा है, पर मैं उसकी पुष्टि नहीं करता आरजेएस की, क्योंकि कहीं पे भी न्यूज़ नहीं आई है आरजेएस की। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोल भी किया है, उसमें भी काफ़ी लोग कह रहे हैं हाँ सर सुनने में आ रहा है। अभी किसको सुनने में कैसे आ रहा है पता नहीं। और आरजेएस का पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है राजस्थान में, और ऐसी कहीं न्यूज़ नहीं आ रही, कोई एफआईआर भी नहीं हुई। तो इसलिए अपना दिमाग ना लगाए, आरजेएस को बोल रहे हैं प्री दोबारा होगा, एक ने कमेंट किया है प्री दोबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेंस पे फोकस करो, जो बच्चे पास हो रहे हैं वो मेंस पे फोकस करो। अब ये क्या न्यूज़ है इस पर बात कर लेते हैं, यूपी से रिलेटेड सबसे पहले, बाद में आरजेएस की बात कर लेंगे। देखो, यूपी में कुछ बच्चों ने लगाई थी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट ने यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन को बुलाया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? तो उसी मैटर में पता चला है, इंक्वायरी चल रही थी। अब देखो इसी न्यूज़ देखो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पेपर कंडक्ट कराया था सिविल जज का 2022 वाला शायद, उसमें 50 कॉपियाँ बदली गई हैं मेंस की। ये जांच में अधिकारी दोषी भी पाए गए हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया, ये न्यूज़ आ रही है। और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में दे रखा है। देखो इसमें लिखा हुआ है 5 जून में यूपीएससी प्रेजेंट हुआ आंसर शीट, ये 6 क्वेश्चन पेपर के, फिर कमीशन, इसमें डेट लिखी हुई है कितने बच्चों ने आंसर दिए थे, सब कुछ लिखा हुआ है, आप फोटो में देख सकते हो। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा करना चाहता नहीं हूँ। आप मतलब मेंस की कॉपी चेंज हो रही है, सोचो आप, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, अपना साल देते हैं, और वैकेंसी भी यूपी में तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे आती हो, कितने सालों से पढ़ाई करते हैं। अगर एक बच्चा, मतलब 1% भी अगर किसी को गलत हो रहा है ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और सोचो गवर्नमेंट कोई, मतलब क्या ही बोले यार, अपन फिर कुछ बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, पर मैं नहीं बोलता। चलो इस चीज़ पे जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये 2015 में भी बदली गई थी, इस न्यूज़ में आप देख सकते हो फोटो जो आ रही है, ये 2015 में भी बदली गई थी कॉपियां, पर दबा दिया गया मामला, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, न्यूज़ में लिखा हुआ है, तो मैं नहीं कह रहा इसमें। और चलो यार, ये तो सैड न्यूज़ है, क्या कर सकता है। तो अब बात आती है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की नई वैकेंसी कब आएगी। देखो चल रहा है प्रोसेस में है मैटर, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सीएम साहब ने, वहाँ के जो सीएम है यूपी के, उन्होंने मीटिंग ली थी लोकसभा इलेक्शन के बाद तुरंत, और जितने भी विभाग हैं, जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं, उनको आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कराओ। और आरटीआई की इंफॉर्मेशन भी आई थी कि कितनी कब तक आएगी, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि प्रोसेस में है, जैसे ही कुछ उसमें कोई एरर है उसको सॉल्व हो जाएगा, तो आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और देखो अमेंडमेंट होने बाकी हैं, क्योंकि नए लॉ आएंगे अब यूपी में, तो मेरे को लगता है 99% नए लॉ ही आएंगे, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट हो ही गए हैं, आपको पता है नए लॉ, 1 जुलाई से एफआईआर भी होने लग गई है, कोर्टों में भी उसके रिलेटेड काम चल रहा है। और पहले जजों की तो वैसे इतना कोई खास ट्रेनिंग हुई नहीं है, वकीलों को भी कॉन्फ्रेंस के थ्रू पढ़ाए जा रहे हैं, जज ही पढ़ा रहे हैं, और राजस्थान का बता रहा हूँ मैं, अदर स्टेट का नहीं पता मुझे। तो यूपी में आपको नए लॉ ही पढ़ने चाहिए, और जिनका आरजेएस मेंस निकल रहा है उनको पुराने लॉ पे फोकस करना है। आरपीएससी एपीओ में भी उम्मीद करते हैं, वैसे मैंने बोल दिया कल कमेंट, मैंने वीडियो बनाया था आरपीएससी एपीओ पे, आपको नए लॉ पे फोकस करना चाहिए, तो मैंने पूछा भी था अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो पता करने को बोलूँगा आरपीएससी में, तो मेरे हैं नोन, तो मैं बोला है उनको जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन से लॉ पढ़ने चाहिए, कि कोई अमेंडमेंट करने वाले हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था पहले भी कि कितनी वैकेंसी आ रही है, उनकी न्यूज़ बिल्कुल सही निकली थी,
तो मैंने उनको बोला है जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा आरपीएससी एपीओ की वैकेंसी में कौन से लॉ पढ़ने चाहिए। अभी तो पुराने लॉ ही मेंशन है तो आपको उस पर ही फोकस करना पड़ेगा जब तक वो चेंज ना हो जाए, पर मैं पता कर रहा हूँ आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका भला हो जाए। अब एंड टाइम पे पता चले एक महीने पहले कि आपको पढ़ने पुराने लॉ नए लॉ पढ़ने तो आपको इतना समय मिलेगा नहीं। मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये है तो आप इसके अकॉर्डिंग काम कर लो। अब बात आती है एक डेटा ये भी है कि कितनी वैकेंसी खाली है यूपी सिविल जज के लिए, तो ये फोटो भी देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंथ कितनी है हायर जुडिशरी में सिविल जज सीनियर डिवीज़न में सिविल जज जूनियर डिवीज़न में। इन स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है 1690, वर्किंग स्ट्रेंथ है 1259, वैकेंसी है 431 हायर जुडिशरी में। सिविल जज सीनियर डिवीज़न में भी लिखा है 805 स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है 575 और 230 वैकेंसियाँ खाली हैं, प्रमोशन से भरी जाएंगी ये। और सिविल जज जूनियर डिवीज़न में 1203 स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है 890 और 313 वैकेंसी खाली हैं। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कि यूपी में यूपी एपीओ और सिविल जज की वैकेंसी मिला के 500 करीब वैकेंसी आएंगी और ये दोनों वैकेंसी आगे पीछे ही आएंगी, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सिलेबस मैंने वैसे बता रखे हैं, इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। और यूपी में जीके का रोल बहुत अच्छा होता है और एग्जीक्यूटिव लेवल की जीके काफ़ी अच्छी आती है लॉ में भी, जो वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है एसडीएम वैसडीएम बनते हैं ना, अच्छी जीके आती है, उस लेवल की जीके आती है। और यूपी में लोकल लॉ भी बहुत आता है तो अदर स्टेट के बच्चे इतने जाते भी नहीं है, तो जो जैसे राजस्थान में तो जो जनरल कैटेगरी है ना राजस्थान की, उनको अदर स्टेट के बच्चों का कंपटीशन मिलता है क्योंकि अदर स्टेट में चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो आप, पर जब राजस्थान में फॉर्म फिल करते हो तो जनरल कैटेगरी से ही फाइट करते हो, तो इसलिए राजस्थान में जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको एक ड्रॉबैक रह जाता है क्योंकि हर कोई आता है राजस्थान का पेपर देने और लोकल लॉ नहीं है और जीके नहीं आती, सिंपल सा सिलेबस है तो इसलिए हर कोई आता है। इस बार आरजेएस में भी बहुत लोग आए हैं बाहर से और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी, एब्सेंट लोग बहुत कम थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें 313 करीब वैकेंसी दिखाई जा रही हैं, ये ऑफिशियल डेटा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। तो ये 1/6/2024 का अपडेट है, आप लोग देख सकते हो, इसमें डेट भी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें पेपर मतलब कॉपियाँ चेंज होना बहुत बड़ी बात है मेंस में, आप कैसे किस पे ट्रस्ट करो भैया, कुछ नहीं कहा जा सकता आज के टाइम पे। नौकरी लग जाओ, वही मैं आपको कहता हूँ, जो नौकरी मिल जाए लग लो, नहीं तो प्रैक्टिस करो अपने, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, लाइफ में असूल बना लो। कॉलेज पास आउट करते हो, एक से दो साल दो जुडिशरी में, एक या दो बार दो ढंग से पेपर, तीसरी बार कहीं ना कहीं जॉब लग जाओ या किसी और जॉब की ट्राई करो, नहीं तो प्रैक्टिस करो, फर्म ज्वाइन करो, सारी चीज़ जो भी आपके पास ऑप्शन है वो करो, किसी के पीछे भागो मत। लोग होते हैं 10-10 साल 5-5 15-15 साल दे देते हैं एक के पीछे, और जो हमने गलती करी है आप लोग ना करें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने आपको दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और गिव अवे भी चल रहा है, अगर आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।